प्रदेश की। योगी सरकार देगी फ्री वाईफाई, सीएम योगी वेतन विंग्स गति मसला दूर करने के लिए तय होगा दिन। हस्तिनापुर में होगी खुदाई, राम जन्मभूमि सुरक्षा व्यवस्था का नया खाका तैयार। भ्रष्टाचार के आरोप में पीसीएस अधिकारी बर्खास्त। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन। यूपी बिहार में फूलन देवी की मूर्ति लगवाएंगे वीआईपी। बीजेपी विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं ने किया कार्य का बहिष्कार। बकरा ईद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में, 20 QRT का गठन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। योगी सरकार सोशल मीडिया के इस युग में शहरी लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। प्रदेश के कई शहरों में 2 स्थानों और छोटे शहरों में 1 स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसका मकसद जरूरतमंदों को ऑनलाइन काम कराने की सुविधा देना है और नगर विकास विभाग ने इस संबंध में 10 दिन से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। वेतन विंग्स गति का मसला हो, पदोत्तरी से देरी की टीस हो या फिर दैनिक कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी, सबका समाधान और देरी से नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि हर सप्ताह 1 दिन केवल कार्यालय के कर्मचारियों के नाम होगा। हर कार्यालय में उच्च अधिकारी सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा कर्मचारियों की समस्याओं, शिकायतों और संज्ञान ले। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करते हुए सुविधाजनक बताया है। महाभारत काल के अजूबे रहस्यों की तलाश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम हस्तिनापुर में खुदाई कराएगी। मेरठ जिला मुख्यालय ने 40 किलोमीटर दूर महाभारत के गवाह हस्तिनापुर ASI ने खुदाई की तैयारी शुरू कर दी है। महाकाव्य महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर की कथा से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए ASI ने कदम उठाने का फैसला किया है। इसके पिछले साल अगस्त में लगातार बारिश के बाद हस्तिनापुर टीले में शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। वर्ष 1997 में बैच के PCS अफसर हरिशंत को दायित्व निर्वहन में अनियमितता का दोषी पाए जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें सचिव नोएडा विकास प्राधिकरण के पद पर तैनाती के दौरान प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से लीज बैंक करने का दोषी पाया गया है। शासन ने कार्रवाई नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी की रिपोर्ट पर की है। राम जन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में पूर्व के प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। इसके साथ विराजमान रामलला के स्थान परिवर्तन के बाद बदली स्थितियों में फोर्स की नए सिरे से तैनाती पर मंथन किया गया है। इसके अलावा 70 एकड़ परिसर सहित रामकोट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का नया खाका भी तैयार किया गया है। इस बैठक में उपरांत ADG सुरक्षा VK सिंह ने बताया है कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अनेक प्रकार से स्थितियां बदली। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने 5 कालिदास मार्ग स्थित चौराहे से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। आरक्षण बचाने को लेकर आवाज बुलंद की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक जबरदस्ती घसीट घसीट कर हटाया, बसों से भरकर इरको गौजन छोड़ा। इस दौरान कई अभ्यर्थी चोटिल हुए और कुछ बेहोश हो गए। 2 को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। विकासशील इंसान पार्टी 25 जुलाई को बिहार और यूपी के सभी प्रमंडलों ने फूलन देवी का शहादत दिवस मनाएंगे। बिहार के बाद यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी VIP उत्तर प्रदेश के 18 प्रमंडलों ने उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित करेंगी। इनमें से 2 दर्जन मूर्तियों का निर्माण VIP प्रमुख और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सैनी के पटना के स्टैंड रोड स्थित आवास पर कराया गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर मिलक की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस समय राजबाला मिलक शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थी और वह चुनाव जीत गई थी।
स्वास्थ्य विभाग के 53 लिपिकों के तबादले पर साथियों के आक्रोश हैं। दूसरे दिन मंगलवार को भी उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया। लिपिकों ने मुख्यमंत्री को संशोधित ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि जब तक तबादले का आदेश निरस्त नहीं होगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं लिपिकों के कार्य बहिष्कार से दिव्यांग बोर्ड मेडिको लीगल स्थानांतरण कर्मचारियों की ज्वाइनिंग और रिलीविंग चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन सहित अन्य काम प्रभावित हुए। बकरा ईद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। वहां अलग से फोर्स तैनात की जा रही है। बुधवार को सुबह 6 बजे से ही पुलिस क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर देगी। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्र के लिए 20 क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। वहीं कुछ ही होने पर तत्काल टीम एक्टिव हो जाएगी। ALU की टीम भी रात को ही सक्रिय हो गई और CCTV कैमरे और सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रख रखी है। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ।